एक्साइटिंग वीडियो में गाइज, ये है Realme 2 Pro और Realme 2 Pro के अंदर में एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है Realme UI का। यहाँ पर F.06 का अपडेट आपको रिसीव हुआ है और गाइज ये अपडेट काफ़ी बेहतरीन अपडेट है जो कि Realme UI के रिगार्डिंग है और इस अपडेट के अंदर आपको काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा अपडेट लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस अपडेट को आज हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको सारे बड़े बड़े चेंजेस जो कि Realme UI के अंदर आपको मिलते हैं Realme 2 Pro के अंदर, सबको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो। गाइज, अब हम इंस्टॉल करते हैं Realme UI के अपडेट को Realme 2 Pro में। देन आपको जाना होता है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपडेट आपको रिसीव भी हो चुका है, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद अपडेट आपकी डिटेक्ट होके आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वर्जन डिटेक्टेड एंड्रॉयड 10 Realme UI F.06 का ये अपडेट है आपके लिए। तो हम इसे सिंपली पहले डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारा अपडेट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देन मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो कि आपको यहाँ अपडेट के अंदर मिलने वाले हैं। तो आपको सिंपली जाना होता है लर्न मोर के अंदर। जैसे ही गाइस आप लर्न मोर के अंदर जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑप्शन योर सिस्टम विल बी अपग्रेडेड टू Realme UI 1.0 एंड Android 10। आपको Android 10 और Realme UI 1.0 देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन इसका होने वाला है। अपडेट लॉक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ आपको कई सारे चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। विजुअल्स के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन पैनल्स वगैरह चेंज देखने के लिए मिलेंगे, स्मार्ट साइड बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं आपको स्क्रीनशॉट के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। नेविगेशन जेस्चर्स के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑप्टिमाइज जेस्चर्स, ऑल जेस्चर्स आर सपोर्टेड इन लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप मोड में भी आपके सभी जेस्चर्स सपोर्ट होने वाले हैं। सिस्टम के अंदर में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। इन सभी चेंजेस को मैं आपको वन बाई वन बताने वाला हूँ, तो आप सिंपली वीडियो को स्किप मत करना। देन गाइज आपको गेम के अंदर में एक बहुत बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको गेम स्पेस की एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगी, साथ में आपको विजुअल इंटरेक्शन ऑफ गेम स्पेस ये भी चेंज देखने के लिए मिलने वाला है। देन गाइज आपको होम स्क्रीन के अंदर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे लाइव वॉलपेपर्स ऐड कर दिए गए हैं, आर्टिस्टिक वॉलपेपर ऐड किए गए हैं और साथ में यहाँ पे नेचर वाइज जो कि आपकी रियलमी की थीम्स होती हैं जो कि टाइम के हिसाब से वेदर के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, वो वाली थीम्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। देन गाइज टूल्स के अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि कैलकुलेटर को आप फ्लोटिंग विंडो पर लेके आ सकते हैं और भी कई सारे चेंजेस हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होती है उसमें प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं वीडियो को। देन गाइज आपको कैमरा के अंदर चेंज में देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ आपको पूरी UI चेंज देखने के लिए मिलेगी। देन गाइज आपको फोटोज़ के अंदर चेंज देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ आपके एल्बम वगैरह में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे गाइज कम्युनिकेशन के अंदर कुछ आपको चेंज देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ रियलमी शेयर से आप रियलमी या फिर ओप्पो या फिर MI के शेयर को भी आप फाइल शेयर कर पाएंगे। देन गाइज यहाँ पे सेटिंग्स में आपको कुछ चेंज देखने के लिए मिल जाते हैं। सर्च सेटिंग नाउ सपोर्ट्स फजी मैच एंड कंटेंट्स आ सर्च हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी और फजी मैच भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन गाइज आपको यहाँ पे म्यूजिक में भी चेंज देखने के लिए मिल जाता है। एडिट डुअल मोड म्यूजिक शेयर इन रियलमी लैब। गाइज यहाँ पे रियलमी लैब के अंदर आपको डुअल मोड ऑडियो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। डेडिकेटेड वीडियो भी मैं चैनल के ऊपर बना चुका हूँ, अगर आप इस फीचर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप जरूर से उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइज जो अपडेट का साइज है वो काफी बड़ा है, 2.93 GB का अपडेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो काफी बड़ा अपडेट आपको यहाँ पे Realme की तरफ से रिसीव हुआ है। गाइज कर देते हैं अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक। गाइज तो अपडेट हो चुका है हमारा इंस्टॉल। देन अब हम बड़े बड़े चेंजेस देखते हैं जो कि इस मोबाइल के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद मैं आपको अबाउट फोन में लेके जाऊंगा। अबाउट फोन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल चुका है और साथ में सिक्योरिटी पैच लेवल है वो आपको 5 मई 2020 का देखने के लिए मिल जाता है। देन गाइज आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा आइकन देखने के लिए मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड की तरफ से दिया गया है। आप इसे एंड्रॉयड 10 का आइकन कह सकते हैं। देन सब बात कर लेते हैं सभी सारे बड़े चेंजेस की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे आइकन स्टाइल पूरा चेंज देखने के लिए मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही क्लॉक देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी बेहतरीन है ये क्लॉक, काफ़ी अच्छी लग रही है। और साथ में आपको यहाँ पे वेनसडे मई 2020 यानी कि आपको कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके नीचे आपको डाटा यूजेज देखने के लिए मिल जाता है। देन गाइज अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगले चेंज की,
तो आपको यहाँ पे ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन ऐप ड्रॉअर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अनेबल होता हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको अनेबल करना पड़ेगा। तो आपको लॉन्ग स्क्रीन प्रेस करके रखनी होगी, देन आपको यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं होम स्क्रीन मोड, इसमें आपको स्टैंडर्ड मोड मिल जाता है, ड्रॉअर मोड मिल जाता है और एक सिंपल मोड मिल जाता है। तो आप ड्रॉअर मोड पर क्लिक करके अप्लाई करना होगा जब ये आपके लिए अप्लाई होने वाला है। गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की, तो आपको ऐप आइकन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। वैसे तो ऐप का डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन आप इसे और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको जाना होता है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन का, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपको स्लाइड डाउन करना है, देन आप यहाँ पे सेट आइकन स्टाइल का ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये आर्ट प्लस आइकन वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल देखने के लिए मिल जाती है मटेरियल स्टाइल, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके आइकन इस तरीके के होंगे, पेबल पे कर सकते हैं आप, इस तरीके के आइकन देखने के लिए मिल जाएंगे। देन आप इन्हें कस्टम भी कर सकते हैं, तो कस्टम वाले में आप ये राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह आप इन्हें राउंड कर सकते हैं, या फिर कॉर्नर वाले आइकन्स बना सकते हैं, फोरग्राउंड को आप सेट कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं आपको, या फिर बड़ा कर सकते हैं उसका आइकन। तो गाइज आइकन का ये वाला आप इसे और भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं पूरे आइकन को उठा के। तो ये काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल जाती हैं ऐप आइकन कस्टमाइजेशन में। अब गाइज मैं बात करता हूँ उससे अगले चेंज की, तो आपको यहाँ पे एक स्मार्ट साइड बार देखने के लिए मिल जाता है। साइड बार ये काफ़ी बेहतरीन है यार, यहाँ पे आप और भी ऐप्स को प्लस कर सकते हैं, यहाँ से प्लस कर लेंगे आप तो काफ़ी सारे ऐप्स आप इसमें लेके आ सकते हैं। देन गाइज आपको इस स्मार्ट साइड बार में एक और फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जब आप लॉन्ग प्रेस करके किसी भी ऐप को डायरेक्टली यहाँ पे भेजते हैं तो आप एक डायरेक्टली स्प्लिट मोड के अंदर पहुँच जाते हैं। तो स्प्लिट मोड यार आप दो ऐप्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्प्लिट मोड अनेबल कर लिया स्मार्ट साइड बार के अंदर से। गाइज अब मैं आपसे बात करता हूँ अगले नेक्स्ट चेंज की, तो नेक्स्ट चेंज भी यार काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना होता है, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको कन्वीनियंस टूल्स में जाना है। कन्वीनियंस टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जेस्चर एंड मोशंस के, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, आप इन्हें अनेबल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन होते हैं इनके स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, आप इन्हें अनेबल करने के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे जेस्चर्स ओ वगैरह बना के, वी वगैरह बना के, तो आप कैमरा को अनेबल कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी भी ऐप को इसमें अनेबल कर सकते हैं। गाइज अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट चेंज की, तो आपको यहाँ पे थ्री फिंगर स्लाइड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीनशॉट के लिए। तो आप थ्री फिंगर जैसे स्लाइड करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब आप इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और ड्रैग अप करेंगे तो आप इसका एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है, आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यार आपके लिए, जो जितना आपको एरिया चाहिए स्क्रीनशॉट का उतना आप क्रॉप करके निकाल सकते हैं। देन गाइज आपने जितना एरिया सेलेक्ट कर लिया स्क्रीनशॉट के लिए आप इसे लॉन्ग स्क्रीनशॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इसमें क्रॉपिंग और भी कर सकते हैं जो आप क्रॉपिंग करना चाहें। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, जो कि आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल रहा था स्क्रीनशॉट के अंदर, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। देन गाइज नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप यहाँ से प्ले पॉज का बटन देखने के लिए आपको मिलने वाला है, और साथ में आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस मिलने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन। यहाँ से आप साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप इसे एनेबल कर देंगे तो साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोफोन लगा सकते हैं, आप माइक्रोफोन की साउंड भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। देन गाइज अपना आप फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अपने फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर पाएंगे। और गाइज यहाँ पे आपको वीडियो का रेजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है, आप इसे 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। तो ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन जो कि आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देन गाइज आप जब इसे स्टार्ट कर देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, तो आपको यहाँ पे प्ले पॉज का बटन देखने के लिए मिलने वाला है इस जगह पर, और देन आप इसे छोटा कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे छोटा कर देंगे तो आप इस जो टॉगल बनेगा इसका आप इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट है यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलने वाला। देन गाइस बात करते हैं आपसे अगले चेंज की, तो आपको यहाँ पे न्यू लाइव वॉलपेपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, देन आपको वॉलपेपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये वाला लाइव वॉलपेपर आपका ऐसा वॉलपेपर है जो आपका टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे आप इसे सुबह के टाइम लगाएंगे तो ये सुबह की तरह दिखाएगा, और रात में जब आप कर देंगे तो ये पूरी रात में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए, देखिए ये नाइट वाला हो गया। देन इसके बाद ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मैं इसे सेट एस करता हूँ, तो जैसे ही इसे मैं सेट कर दूंगा तो देख सकते हैं आप इसका टाइमिंग अभी जो हो रहा है उसी के हिसाब से टाइमली मूव करेगा ये। देन गाइज मैं आपसे बात करता हूँ अगले चेंज की, तो आपको गेम स्पेस के अंदर मिल जाता है। यहाँ आपको एनिमेशन चेंज देखने के लिए मिल जाती है गेम स्पेस के अंदर, जो कि मैंने आपको अपने इंट्रो में भी दिखा दी है। देन बात करते हैं अगले चेंज की, तो आपको ये डुअल ऑडियो मोड देखने के लिए मिल जाता है। तो
आपको सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है रियलमी लैब का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डुअल मोड ऑडियो का ऑप्शन देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है ये। इसमें एक आप ब्लूटूथ हेडसेट चला सकते हैं और साथ में एक आप चला सकते हैं वायरलेस ईयरफोन। तो दो लोग आपस में म्यूजिक को शेयर कर सकते हैं या मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल के ऊपर बना के टेस्टिंग के साथ डाल रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वह आप देख सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं आपको टैग्स में भी देने वाला हूँ। देन गाइज मैं आपसे बात करता हूँ अगले चेंज की। तो अगला चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आपको कई सारी रिंगटोन्स वगैरह चेंज देखने के लिए मिल जाएंगे इस बार अपने फ़ोन के अंदर। तो जब आप साउंड और वाइब्रेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिंगटोन्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी रिंगटोन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि रियलमी ट्यून, इट्स रियलमी। तो काफ़ी अच्छी ट्यून्स जो कि रियलमी यूआई की सपोर्ट में होंगी, बहुत सारी टोन्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन गाइज मैं बात करता हूँ आपसे अगले चेंज की। तो आपको कैमरा की यूआई पूरी डिफरेंट देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। कैमरा का इंटरफेस पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये आपको बिल्कुल एमआई जैसा इंटरफेस देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पर आप जब स्लाइड करते जाएंगे तो आपको सभी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते जाएंगे। देन गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मोर का ऑप्शन। मोर के ऑप्शन में यहाँ पे टाइम लैप्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, स्टिकर, स्लो मोशन, एक्सपर्ट मोड, पैनो मोड। तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कोई नया ऑप्शन आया है यार पोर्ट्रेट के अंदर, देखते हैं। तो यहाँ पे यार आपको यहाँ रिम लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है ये वाला भी। देन गाइज आप यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह को देख सकते हैं। तो कैमरे की यू आई काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी गई है। तो गाइज ये थे बड़े बड़े चेंजेस जो कि आपको रियलमी यू आई के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं रियलमी 2 प्रो के अंदर। तो सभी सारे चेंजेस को मैंने कोशिश की कवर करने की, लेकिन इसके कुछ यूनिक फीचर्स और बहुत ही सीक्रेट फीचर्स जो कि मैं आगे वीडियो बना के लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना है और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि यार सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो मिलते हैं गाइज आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गाइज कौन सा फीचर आपको सबसे बेस्ट लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और अगर किसी भी फीचर्स के अंदर या फिर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा। तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो पक्का मैं आपसे शेयर करूंगा। तो गाइज चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।